जींद हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जाट धर्मार्थ सभा जींद के पदाधिकारियों एवं इस संस्था से जुड़े लोगों का आह्वान किया कि वे यहां एक उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान स्थापित करवाने का प्रयास करें। इस कार्य में सरकार द्वारा पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा। श्री दुष्यंत चौटाला ने यह बात स्थानीय जाट धर्मशाला में धूमधाम से मनाई गई दीन बंधु सर छोटू राम की जयंती समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने इस अवसर पर सर छोटू राम की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और जाट धर्मशाला परिसर में बनने वाली जींद जिला की सबसे ऊंची दीन बंधु सर छोटू राम की प्रतिमा का शिलान्यास किया। इस अवसर पर जुलाना के विधायक अमरजीत ढांडा, नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा तथा जाट धर्मार्थ सभा के प्रधान वजीर सिंह सहारत समेत कई पदाधिकारियों एवं जींद के एसडीएम सत्यवान सिंह मान समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जींद शहर के तीनों चौकों का सरकारी खर्च पर जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। मांग मेरे पास आई थी कि हमारे यहाँ पर तीन चौक है, एक आईटीआई चौक है, एक चौधरी देवीलाल चौक है और एक जो आपकी मंजूरी तो हो रखी है मगर बनानी सर छोटू राम का चौक है। तो मेरी ज्वार श्रेणी जो हमारे चेयरमैन है म्यूनसिपल कमेटी से उनसे भी चर्चा होगी, ग्रांट हम अप्रूव करा देंगे। उसकी रीमॉडलिंग के लिए 20 लाख लगे 30 लाख लगे, तीनों चौकों को हम पूरी बढ़िया तरीके से रीमॉडल भी कराएंगे, उनकी मूर्तियाँ भी लगवाने का काम किया। उन्होंने जाट धर्मशाला परिसर में स्थापित रक्त जांच लैब के बारे में कहा कि यह सभा द्वारा किया गया बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस तरह के समाज हितैषी कार्यों में हर व्यक्ति को अपना सहयोग देना चाहिए। उन्होंने यहां एक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करवाने की बात भी कही और कहा कि इसकी स्थापना हेतु सरकार द्वारा भी सहयोग किया जाएगा ताकि इस क्षेत्र के युवा इस लाइब्रेरी का फायदा उठाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर अच्छी अच्छी नौकरियां प्राप्त कर सके। उन्होंने लोगों से यह भी अपील की कि वे अपने बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा दिलवाएं। सरकार द्वारा भी शिक्षा के स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। हर 2 किलोमीटर की परिधि में महिला विद्या महाविद्यालय स्थापित करवाए जा रहे हैं। कहीं भी जगह देख लो, इस बिल्डिंग में देखोगे तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लो, मगर कोचिंग के लिए लोग रख लो ढंग के, जो आकर दिन रात हमारी आगे वाली पीढ़ियों को, मेरी उम्र के युवा साथियों को अच्छी तरीके से ट्रेन कर पाए कि वो फिर जींद की धरती से जाकर कोई यूपीएससी पेपर पढ़ने का काम करे, कोई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर पढ़ने का काम करे और हमारे ग्रामीण अंचल का बच्चा फिर सिपाही हवलदार इस लेवल तक ना रहे, फिर वो आईपीएस आईएएस मिलिट्री में अफसर उस लेवल तक पहुंचने की भी हिम्मत रखने का काम करे। और उसके अंदर योगदान रहेगा तो केवल मात्र आप लोगों का रहेगा, आप पीछे पड़ोगे प्रधान जी के और प्रधान जी पढ़ेंगे मेरे और कुछ ना कुछ हम यहाँ पर अच्छा बनवा कर देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जींद का मेडिकल कॉलेज भी आगामी 3 वर्ष में पूर्ण कर तैयार हो जाएगा। 532 करोड़ लागत से बनने वाले 750 बेड के इस मेडिकल कॉलेज में MBBS तथा SMD जैसे उच्च स्तरीय कोर्स करवाए जाएंगे। इस कॉलेज के प्रथम ब्लॉक का निर्माण कार्य 1.5 वर्ष में पूरा हो जाएगा। इस मेडिकल कॉलेज के बनने से न केवल जींद बल्कि आसपास के कई जिलों के लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मुहैया होंगी, वहीं लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अनेक अवसर भी उपलब्ध होंगे। अस्पताल बनना था 2-2.5 साल हो गए, पीछे पड़ के 530 करोड़ रुपए उसके अबतपुर वाले मेडिकल कॉलेज के मंजूर कराए और ये वादा करता हूँ कि अगले 2 से 3 साल के बीच में 750 बेड का एक बढ़िया हॉस्पिटल जींद के लिए हम यहाँ कंप्लीट करा कर देने का काम करें। आज हम देखते हैं कि हमारे गांव का बच्चा गुड़गांव में नौकरी लेने जाता है तो केवल मात्र अंग्रेजी के अंदर थोड़ा सा उसका हाथ ढीला होने के कारण उसको वहाँ नौकरी नहीं मिलती, दिल्ली के अंदर नौकरी नहीं मिलती, अफसर बनने जाता है सिपाही बन के रह जाता है। वो जो एक गैप बनता आया है अपने इस इलाके का, इसके अंदर अगर कोई सुधार ला सकता है तो आप जैसे तमाम मेंबरान मिलकर ला सकते हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का लोगों द्वारा फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। जाट धर्मार्थ सभा जींद के प्रधान वजीर सिंह सहारा ने उप मुख्यमंत्री को सभा की ओर से पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर JJP के जिला अध्यक्ष कृष्ण राठी, सफीदो हल्का के JJP से प्रत्याशी रहे दयानंद कुंडो, जाट सभा के महासचिव संजय पवार, कोष अध्यक्ष सुरेंद्र रेड्डू,
सचिव हरदीप सांगवान, आजाद लाठर, तेजेंद्र ढुल, धूप सिंह, केसी बांगड़, सुरेश दलाल समेत अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। खबर तहलका के लिए जींद से ऋषि महेंद्रता की रिपोर्ट। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।